जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर में आज पहला फेज जो है स्टार्ट हुआ है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही श्रीनगर के तीनों अजलाओं में जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिले हैं, वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि अभी जो है श्रीनगर में 9 जो है सुबह के 9 बजे तक 5.7% वोट पड़े हैं। थोड़ा सा आपको तफसीलात बताते चले कि सेंटर शाल्टेंग जो है वहाँ पे 3.16% वोट पड़े हैं, चाडूरा में 9.62% वोट, चरायर शरीफ में 8%, 30%, छानपुरा में 2.77, ईदगाह में 4.70, गांधरम में 8%, 83% पड़े हैं, हबाकदल में 2.10%, हजरतबल में 3.55, कंगन में 7.89%, खान साहब में 6.70%, और लाल चौक की अगर हम बात करेंगे लाल चौक में जो है 3.23%, पांपर में 4.61%, पुलवामा में 5.14%, राजपुरा में 5.87%, शोपियां में 7.3%, और त्राल में अगर देखा जाए कि 3.70%, जड़ीबल में जो है 3.25% वोट। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि श्रीनगर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन चार अजलाओं में अभी तक जो है 5.7% वोट पड़े हैं। नाज़िम मोहतरम, आपने आज सुबह से ही देखा कि कश्मीर पेट्रेट लगातार आप तक जो है वोटिंग को लेके जो कवरेज पहुंचा रहे हैं पुलवामा से, श्रीनगर से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, और कहीं ना कहीं लोगों से भी हमने बात की, लोगों का भी यही रुझान देखने को मिल रहा है कि वोटों का जो सिलसिला है वो लोग वोट डालते हुए नज़र आए हैं। अभी हम श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर भी जो है खान्यार इलाके से भी आज सुबह से ही लोगों ने जो है अपना वोट कास्ट किया है, और राय भी लोगों ने यही दी है कि उन्होंने यहाँ पे अक्सर उबेशतर अगर देखा जाए कि खान्यार इलाके में एनसी को वोट कास्ट किया और बाकी पार्टीज को भी वोट किया है, और लोगों का यही मानना है कि हमने इसलिए वोट दिया ताकि उनसे जो उम्मीदें हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ वाबस्ता है। फिलहाल ये अभी का बहुत बड़ा अपडेट था जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। 5.7% वोट पड़े हैं फिलहाल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिसमें चार अजलाए आते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बताते चलो मैं आपको, जो श्रीनगर में लगातार वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है। क्या मजीद अपडेट निकल के आएगा वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया।